आगामी लोकसभा उपचुनाव के सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाया जाएगा। प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ अनु सिंह ने प्रभारी अधिकारी ईवीएम को निर्देश दिया है कि तैयारी पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन में कुल 2900 ईवीएम का प्रयोग होगा। इतनी ही संख्या में ही वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी जो कि हैदराबाद से प्राप्त हो रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मशीनों की जांच पूरी कराने इसके लिए 21 इंजीनियर तैनात किए गए हैं। अभियंता ने बताया कि 432 बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जांच पूरी करने के बाद मशीनों को ऑनलाइन अपलोड करा लें। अभी तक 36 मशीनों को अपलोड किया जा चुका है। यह कार्य 6 जनवरी तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी बूथों पर आवश्यक सुविधाओं की जांच कराकर रिपोर्ट दे दें। जहां कमी हो वहां उसे विभाग से ठीक कराया जाएगा। साथ ही सेक्टर जोन का चिन्हांकन, रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान दे दें। मतदेय स्थल का SDM तहसीलदार स्वयं सत्यापन करके रिपोर्ट देंगे। उन्होंने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश दिया है कि पर्याप्त संख्या में डिजिटल कैमरा, CCTV कैमरा और वीडियो कैमरा की उपलब्धता सुनिश्चित करा लें। उन्होंने अन्य प्रभारी अधिकारियों को तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। बैठक का संचालन उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM प्रशासन प्रभुनाथ ने किया। इसमें CRO बलराम सिंह, मुख्य कोषाधिकारी KDN द्विवेदी, उप निदेशक बचत विजय नाथ मिश्रा, रेखा गाडिया, विवेक श्रीवास्तव, राहुल पांडे और प्रभारी अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस बार ऑनलाइन होगी तो सुधरने की गुंजाइश नहीं है। नहीं नहीं, जैसे वो था ना जेनेसिस वाला था, सुधार कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं, इसके बाद भाई जब तक सुधारने का ऑप्शन तो लास्ट टाइम तक या लास्ट जो भी टाइम दिया रहेगा तब तक तो सुधार ही सकते। नहीं, इसमें नहीं है। यदि आपने गलती कर दिया तो फिर सुधरेगा नहीं। नहीं तो पोस्टल बैलेट की भी फीडिंग करनी पड़ेगी ना उसके लिए। इसमें पोस्टल वाले में आप एकदम सावधानी बरती, उसमें कोई गुंजाइश है। मुझे लगता है वो जेनेसिस से ही उठाएगा, बस फोटोज हटा के नाम उठा के खुद ही बनाएगा। उनका कहना था एक से मैं जो है इसको ट्रायल के लिए ओपन करूंगा।